इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के दूसरे फेज की शुरुआत 19 सितंबर से होने जा रही है। दूसरे चरण के पहले मैच में आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगी। रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस की नजर लगातार तीसरा और ओवरऑल छठा खिताब जीतने पर है, जबकि चेन्नई की कोशिश पिछले सीजन की शर्मिंदगी को भुलाकर एक बार फिर चैंपियन बनने पर है। मुंबई इंडियंस की टीम मौजूदा चैंपियन है, मगर पहले चरण में वो कहीं पर भी चैंपियन की तरह नजर नहीं आई थी। वो अभी चौथे पायदान पर है, जबकि पिछले सीजन में सातवें नंबर पर रहने वाले एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स अभी दूसरे नंबर पर है। दोनों ही टीमों ने पहले चरण में उम्मीदों के उलट प्रदर्शन किया है। बता दें, सीएसके के लिए चिंता की खबर फाफ डुप्लेसिस की इंजरी है और टीम पहले मुकाबले में उनको मिस कर सकती है। वहीं बुधवार को दुबई पहुंचने वाले सैम करन के खेलने पर भी संदेह बरकरार है। आइए जानते हैं कि दूसरे हाफ के पहले मैच में माही किन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरने का फैसला कर सकते हैं। फाफ डुप्लेसिस का फॉर्म आईपीएल 2021 के पहले हाफ में लाजवाब रहा था और उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर टीम को धमाकेदार शुरुआत दी थी। ऐसे में फाफ के ना होने पर रॉबिन उतप्पा पीली जर्सी में मैदान पर पहली बार दिखाई दे सकते हैं। उतप्पा गायकवाड़ के साथ बतौर ओपनर चेन्नई के लिए उतर सकते हैं। वहीं नंबर 3 पर मोइन अली ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया था और धोनी उनकी जगह से छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे। नंबर 4 पर सुरेश रैना यूएई में कुछ धमाल जरूर मचाना चाहेंगे। वहीं अंबती रायडू ने मिडल ऑर्डर में लगातार अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। ऑलराउंडर के तौर पर पहले हाफ में बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाने वाले रविंद्र जडेजा का प्लेइंग 11 में खेलना तय है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि धोनी खुद को जडेजा से ऊपर प्रमोट करते हैं या नहीं। वहीं बता दें, मुंबई के लिए रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 250 रन बनाए, मगर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या का फॉर्म चिंता का विषय बना हुआ है। खराब फॉर्म के चलते ईशान किशन को बाहर करना पड़ा था, जबकि हार्दिक ने 8 की औसत से 52 रन बनाए थे। राहुल चाहर ने 11 विकेट लिए, मगर धवल कुलकर्णी, जयंत यादव, कुल्टर नाइल, जिमी निशाम, मार्को जेसन फ्लॉप रहे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मुंबई आईपीएल में दोबारा कैसे रिवाइव कर पाती है। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।